<applause> وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمتلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مسباح المكربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ابي القاسم محمد بن عبد الله نور كون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حَصْنَ جميع خصاله صلوا عليه وَآلِهِ واصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين. प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मिसबान नज़ीर अमद गाज़ी हाज़िर हाँ। है नाजनिकाम हज़रत अबू अबूअस मोहम्मद बरकत अली साबर की मशहूर तलीफ़ इसमा नबील करीम सल्लल्लाहु वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ सैदा कायम सलाती वसलम हमारे सरदार नमाज कायम फ़रमाने वाले दरुदोसलाम भेजे अल्लाह आप सल्हम आपकी आलि पाक और आपके सहबा कराम पर हज़रत ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह तब बयान फरमाते हैं कि एक मरतमह मौसम सरमा में हजूर नबी करीम सल्ला वसलम अपने कशान अकदस से बाहर तशीफ़ ले गए और एक खजान रसीदा दरख्त की दो शाखों को पकड़ कर हिलाया जिसे तेज़ी के साथ उस दरख्त के पत्ते झड़ने लगे आप सल वसलम ने मुझे मुखातिब करके फरमाया ए अबूजर मैंने अर्ज़ किया लब्बई या रसूल अल्लाह सल्हसम ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने फरमाया जब बंदा मोमिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ अदा करता है तो उसके गुनाह उसी तरह झड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ते हैं नाज ग्राम नमाज दीन का सतून है अल्लाह तला ने इरशाद फरमाया इन सलाता तनहा अनिलफहशाय वलमुनकर नमाज इंसान को बुराइयों और बेहयाइयों से बचाती है नाज़िक नाम मसला तो इमादुल्दीन नमाज दीन का सतून है अस्सी से ज़्यादा मरतबा कुरानी हकीम में नमाज की तलकिन की गई है और मुझे वो वाक़ याद आता, आता है सैद आलमी सल वसम की बारगह इकदस में तइफ के कुछ लोग हाजिर हुए थे उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके साथ शामिल हो जाते हैं लेकिन ना तो हम अपनी ज़मीनों में से इस्लामी फौज को गुजरने देंगे ना हम ज़क़़त अदा करेंगे ना हम ये करेंगे कुछ शरात ना हम आपके साथ के साथ जहाद में शामिल होंगे और आखिरी बात जो उन्होंने की उन्होंने कहा हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप सल्षात फमाया कि जो जिस दिन में नमाज नहीं उसमें खैर नहीं नमाज हर सूरत पढ़नी पड़ेगी नाजन कराम सब पहला सवाल जो होगा क़्यामत के रोज़ वह नमाज का सवाल होगा और नमाज एक ऐसी इबादत है नाजमी इक्राम जो अल्लाह ताला से आदमी को मिला देती है अल्लाह ताला से जो मुलाकात करना चाहे वो अपनी नमाजों में वो ख़ुज़ू पैदा कर ले क्योंकि रहमत अलैहि वसल्लम इशात फरमाया साठ साठ साल तक लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन फिर हकीकत उनकी एक नमाज भी नहीं होती साहबा ने पूछा सुल्ला वो कैसे आपने फाया वो सजदा अगर सही तरह से करते हैं तो रुकू सही नहीं करते रुकू करते हैं तो सजदा सही तरीके से नहीं करते तो नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए बाद लोग मैंने देखा इस तेज़ी से वो नमाज़ पढ़ते हैं कि मैंने देखा कि डेढ़ मिनट मैं अभी एक जो सुन्नत पढ़ रहा होता हूँ और दो सुनते पढ़ इतनी देर में वो पूरी नमाज़ पढ़ के भी फारग हो जाते हैं मुझे हैरत होती है कि ये कौन सी शार्ट नमाज़ ये पढ़ रहे हैं ये नमाज वो दीन का सतून है जिसको अल्लाह ताला ने जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु सल वसलम शात फमाए ये जन्नत की कुंजी है नाज़िक राम ये मोमिन की महराज है ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाया ये मेरी आँखों की टंडक है ये कुर्ब इलाही का बेहतरीन और शॉर्ट कट ज़रिया है ऱाए रबी का ज़रिया है ये जन्नत का रास्ता है ये परेशानियों बीमारियों और दिलों के जंग को दूर करती है और यह नमाज जो है ये शफ़ात मुतफ़ा सल वम का भी ज़रिया है ये सकून व करार इससे आदमी को हासिल होता है क़बर में इससे रोशनी होगी पुलसरात पे ये चिराग का काम देगी और नाजर इक्राम अल्लाह का दीदार इससे आदमी को नसीब होगा नमाज के कितने फ़ायदे हैं नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला राजी होता है अल्लाह के महबूब अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने वाले से आसमान के मलाइका प्यार करते हैं नाजर इक्राम ये अम्बिया की सुनत ये नूर मार्फत है ये ईमान की जड़ है ईमान की असल है नमाज और बाश कबूलीत ईमान नमाज है रिस्क में बरकत का बायस बनती है बदन में राहत का बायस बनती है दुश्मन से बचाती है इंसान को शैतान जो है वो चीखता है ना ख़ुश हो जाता है ये कौन जब आप मस्जिद की तरफ़ जाते हैं या अपने मसले पे खड़े होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मलकुल मौत के सामने ये नमाज आपकी सिफारिश करेगी कब्र में ये दिया जलाएगी रोशनी का एहतमाम करेगी ये आपके नीचे बिछोना बिछा देगी फूलों का मुनकर नकीर के लिए ये जवाब बन जाएगी और क़यामत तक कब्र में मूनसो गम ख़ार होगी रोज़े क़यामत नमाज आदमी के ऊपर साया करेगी ये सर पर ताज की तरह होगी इनके चेहरे चमक रहे होंगे सैयद आलमीन सल वसम से एक दफ़ा साहबा ने पूछा यारसुल्ला अरबो मखलूक होगी क्यामत के रोज़ आप मुझे कैसे पहचानेंगे आप सल फ़मात तुम्हारे चेहरों की रोशनी से तुम्हारे चेहरों से नूर निकलना होगा मैं फ़ौर पहचान जाऊँगा ये जो वज़ू तुम करते हो उससे तुम्हारे चेहरों पर नूर आ जाता है नाद कराम तो पहले वज़ू होता है तो फिर नमाज होती है इसलिए अल्लाह ताली से दुआ है कि वह हमें सही तौर पर नमाज पढ़ने की तोफ़ी कता फ़रमाए आज नमाज की अहमियत क्या है इसकी फर्जियत इसके रूहानी और तबी असरात क्या हैं इस पर गुफग करने के लिए मेरे साथ तीन स्कॉलर पहले आप उनसे वाकिफ़ हैं पक्के ठक्के सूफी अलामा मुनिरदफी उनके साथ रूहानी शख्सियत हैं अलामा जुल्फकार मुस्तफ़ा हाशमी मारूफ स्कॉलर हैं और उनके साथ दमागी अमराज़ के एक मशहूर अस्पताल के एम एस हैं और सैयदादे हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा आज तीनों मेरे मेहमान आप तीनों का बहुत बहुत शक्रिया जी हज़रत नमाज बिस्मी अलैहिस्सलाम के दीदार पाक के बाद सबसे बड़ी इबादत नमाज है सुबह अल्लाह सुबहान क्योंकि सबक कराम जब आपसे सवाल का दीदार भी करते थे सवाल करते थे दीदार करने के बाद अब्दुलबिन मसूद रजी इमाम बुखारी सही बुखारी में लिखते हैं पूछा यारसोसम ये इरशाद फरमाए अल्लाह के नदी सबसे बेहतरीन अमल क्या है तो आपने तो नमाज को उसके वक्त पर अदा करना और करीम आका पाक सर से फरमाया कि नमाज़ मोमिन काफ़िर में फ़र्क करती है और प्यारे नबी करीम सल्ला वासावी मुबारक वसलम की पाक ने सहाबा कराम रिदवानल्ला तजमयी को किसी ने सवाल किया कि हज़ूर हम रहानियत इख्तियार ना कर लें तो आका करीम फरमा लें मेरी रहबानियत नमाज़ में है सुबह कि तुम इतनी देर तक दुनिया कट जाओगे अल्लाह की तरव तुम्हारा हो जाएगा और नमाज ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह को देख रहे हो

एक का एक एक सूफियाना इसकी तशरी मेरे दिल में आ रही है और ये सूफियाना तशरी मसन ये जो आपने हदीस पाक बयान किया अभी मेरे जहन में आया है कि नमाज उस तरह मुझे पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ मुझे देख के पढ़ो तो इकबाल ने जो कहा था कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क्याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब जो मार्फत वाले हैं वो तो फिर देख रहे हैं अल्लाह के रसूल इस तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं वो तो, तो देख रहे होते बल्कि सही बुखारी में आता है हाँ। जनाब ख़बा बिन अर्थ रजी अल्लाह तुम फरमाते हैं कि मुझे साहबा ने पूछा जो पीछे खड़े थे जोर असर की नमाज में कि ए खबाब आवाज नहीं आई तिलावत की फो मैं तिलावत हो रही थी एक तुझे कैसे पता है मैं तुम तो पीछे खड़े थे ना तो मैं तकबीर तारीम करके आपको देख रहा था सही बुखारी में आता है और शवाफे लिखते हैं शवाफे का कह के जब नमाज पढ़ो तो इमाम को देखो <chasatter> Aí, देखते थे, पड़ी हुआ। और हजूर पाक फरमाते ऐसे करो जैसे को देखते हो जब मैं ये सोचता हूँ पाक फरमाते ना हो फेम तुम तरा फेन राग के अल्लाह तबात ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देखते हो अगर ये तस्वर तो न बन पड़े तो ये यकीन करो अल्ला तुम्हें देख रहा है और मेरा ईमान कह रहा है कि जब हजूर पढ़ते थे तो देखते थे कुछ लोगों जो फरमाए तो तुम भी तो देखते होंगे ना और आका करीम हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम वो, वो क्या है जी हदीस पाक का के जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा वो क्या है मन रानी फकत रा हक मन रानी हाँ। फकत रा हक जिससे मुझे उसे हक को जलवे जो थे अल्लाह बा के आपके चेहरे से نمایاں होते थे का मुद्दा चेहरा। हजूर सल्लम ने नमाज की अधगी में इतनी ताक़ीद और आबीद बयान इमाम बुखारी लिखते हैं एक आदमी नमाज पढ़ रहा था और जैसे आपने फरमाया ना पढ़ के आगे असल यासीद या रसोल्ला तो मैं इर्जे फसल फैन तसल्ले लौट जाओ तुम्हारी नमाज भी दोबारा पढ़ो उसे फिर पढ़ी फिर पढ़ गया अलैका या सई व वहीज फसल्ले वलम तुसल्ले <laughs> फिर गया फिर से नमाज पढ़ी फिर आया फिर असला तसल या या रसूल फसल्ले यासलर्जे इलम वम तसल अजग या रसूल से मुझे जैसी मैंने पढ़ी है अल्लाह के बंदे जब तू नमाज के लिए खड़ा हो सीधा दोनों पाँव पर वजन खड़ा कर का, कानों की लोता हाथ ला ये किबला की तरीका हाथ हो रुख और अपने हाथ जेरे नाप बांध और बिल्कुल सीधा खड़ा हो फिर उसके बाद रकूक ऐसे कि तो ये सीधी हो उस पर कोई पानी बड़ा प्यारा रख दे तो वो गिरे नहीं पानी वाँ वाँ। और जब सदे में जाए तो सारा तरह वजन माथे और पेशानी पर है नाक और माथे पर वजन है, और इससे इतमान से कहे सुबह रबी अल आला सुबह रबी अल आला सुबह रबी अल आला इससे पता चला उलमा के लिए तलबा के लिए मुफसरीन के लिए मुद्दसन के लिए क़ुर्रा के लिए वायजीन के लिए अगर किसी को नमाज में गलती करता देखें तो मोहब्बत से उसको समझा दें और ख़ुद समझाएँ यह ना कि कारी साहब मुझे जल्दी है तुम तो इसको नमाज़ समझा दो हज़ूर सल वसल्लम कितने मसरूफ़ थे आपने ख़ुद नमाज़ समझाई एक ऐसे नमाज़ पढ़ा को जी आशमी साहब नमाज आप तो आपको भी हैं बड़े बिस्मिल्लि हाँ। नमाज़ यकीनन मोमिन की मेराज है और इसकी बेशुमार बरक़ात और फज़ाइल है प्यारे करीम आकाल्मा की बारगाह अकदस से जो हमें फ़रामीन मिलते हैं उसमें एक बड़ा प्यारा फ़रमान मिलता है कि हज़ुर सलाम ने फ़रमायाबराम से उनमें से एक प्यारा फरमान जो है मैं आज करता हूँ फ़माए के तुम आप तुम में से किसी के घर के सामने से नहर गुजरती हो और वो उसमें पांच मरतबा हौसल करे तो क्या उसके जिसम पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा साहबा इक्राम अजमाई नर्स के रसुल्ल नहीं कुछ भी बाकी नहीं रहेगा सलाम ने कि तुम्हारी <coughs> पाँच वक्त की नमाज़ों की मिसाल भी ऐसे ही है कि जब तुम पांच वक्त नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे नामा अमल से गुनाहों की आलूदगी जो है वो भी खत्म हो जाती जाए सुबह और एक इसी तरह की दूसरे दिसे बाग में बहुत सहल और आसान अंदाज फरमाया कि जब बंदा मोमिन नमाज में खड़ा होता है उसकी गुना गठड़ी बांध के उसके सर पे रख दिए जाते हैं अच्छा और जब वो रुकू में जाता है सजदे में जाता है तो वो गठड़ी गिर जाती है और जब वो नमाज पढ़ के फारिग होता है तो गुनाहों से भी पाक को साफ हो जाता है एक नमाज दूसरी नमाज तक के वक्त के दरमियानी गुनाहों की माफी का सामान अच्छा अगर ये हो कि वो गठरी जो है बंदा खुद पकड़ के साइड पे रख ले जब नमाज फारिग हो तो फिर रख के बाहर निकल आता है जी ऐसे है आपने शुरू में भी दिलाई है और किबला ने भी इस तरफ दिलाई है ने फरमाया कि चोरों में से बदतरीन चोर नमाज का चोर है तो हजूल की गर्ज़ क्या नमाज का चोर कौन सा है तो आप स्राथ स्राथ ने फरमाया कि वही जो रुकू ठीक ठीक तरीके से नहीं करता सजदा ठीक तरीके से नहीं करता ये एतदाल जो है ना और तादील अरकान इसको मतलब वाजिबात में से कहा गया कि हर रुकन को ठहर ठहर कर अदा करना है बस मज़ा तभी आता है जया और इसका जो ने कम अज़ कम जो कैलजी की दुरानिया और पीरियड बताया वो ये कि अगर सजदे से उठा और दूसरे सजदे में जाना है तो दरमियान में इतना वक़ा होना चाहिए कि एक मरतबा कह कहले आराम से मतलब बैठा और इसको जो है वो जलसा कहा जाता है जलसा करना नमाज में वाजिब है इस तरह कौमा करना ये नमाज़ में वाजिब है कौमा है कि जब हम रुकू से वापस लौटते हैं तो हमारे आज़ाब बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए और हड्डियाँ हड्डियों पर जम जाएँ उसमें बिल्कुल हरकत खत्म हो जाए <coughs> एक दफ़ा सुकूत और सुकून इख्तियार कर ले ठीक है जब सुकून इख्तियार करे फिर जो है वो दूसरे के और ये जो तेजम तेज ऐसे है वो नहीं तो ये बदतरीन चोरों में से शामिल होगा वो चार नमाजी चार तो नहीं बनेंगे और चार इसी वजह से नमाज के अब देखिए गाज के हमारे ऊपर कोई असरात मरतब नहीं होते नमाज भी पढ़ रहे होते हैं उधर कम भी तोल रहे होते हैं माशरती और समाजी बुराया भी खत्म नहीं होती जो मतलब हमारा तजकिया है वो भी नमाज नहीं कर रही है बात मैंने बहुत अल्लाह तुआ कर कि जी वो नमाज अपनी जगह ये कारोबार है ये अपनी जगह इसमें जो हेरा फेरे या झूठ है मकर है फ्रहेब है तो ये अपनी जगह ये दोनों को मुख्तलिफ रखा हुआ है ऐसा ये बहुत ज़्यादती हमने दीन के साथ की कि हमने दीन को मस्जिद तक और मुल्ला तक महदूद कर दिया ठीक हालाँकि दीन जो है वो तो हमारी पूरी, में, पूरी, जिन्दगी पूरी जिन्दगी जिन्दगी मुहित है हर हर लम हर लम्हा हमारी अज्वाजी ख़ानगी ज़ाती माशरती अकेली जी के अनफरादी इजतमाहीजतमाही तमाम जिंदगी जो है उसमें दीन की झलक बल्कि उसकी कैली जी की के नज़र आनी चाहिए जब तक वो पैदा नहीं होगी उसके समरात से हम लोग फैजियाब नहीं हो सकते ठीक जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ़ आता हूँ अच्छा नमाज पढ़ते आपके पास तो मरीज भी बहुत आते हैं नमाज पहले मुझे ये बताएं कि नमाज पढ़ने और ना पढ़ने का मेडिकली भी कोई असर है वो क्या है बसम सर बहुत ही साइंटिफिक जवाब हैं और ये नमाज जो है वो इसके बहुत साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं देखिए सर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कह, जिस तरह से हमारा मज़हब भी ये कहता है कि हर अमाल जो है वो नीयत पर डिपेंड करता है तो मैं तो एक बात इससे इस पहले ये कहूँगा कि जब आप सोचते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो तब्दीली आ जाती है हमारे जिसमें देखिए सर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जब, जब आप सोचते ही सिर्फ हैं अच्छा सोचा है कि आपने शुरू किया अभी नहीं सर सोचा है अच्छा कि अब सोच मैंने वज़ू अच्छा, अच्छा, अच्छा। नमाज पढ़ना है तो आप कि पॉजिटिव चीजें शुरू हो गई नेकी का काम शुरू हो गया सुबह तो पूरी बॉडी पे इम्पेक्ट आना शुरू हो गया अच्छा अच्छा आप सर वजू को ले लें

ये तकरीब के बाद सबसे पहले अंदर सब लोगों के हाथ धुलाती है लाजमन सर या आप उसका बेनिफिट देखें कहीं हाथ मिला रहे हैं ये कर रहे हैं उसके बाद फौरन खाना शुरू कर एक सुनत पे अमल कर जन्नत का, का वादा है सारे काम अच्छा वजू जो है ना हाथ धोया सारे जरासीम कहते हैं अस्सी अस्सी फीसद जरासीम हाथों से ट्रांसफर होते हैं जितनी भी ये कंटीजियस डिजीजे है जो हाथ से और इस तरह की बीमारियाँ फैलती तो है वो हाथ वा� धोने से हो गई अच्छा सर दूसरा अब दूसरी तरफ आ जाए आपने जनाब अली कुल्ली की तो दांतों के और मसूड़ों की जो बीमारियाँ हैं वो आपकी क्योंकि जरासीम जो है वो मुंह में मौजूद रहते हैं खाने की सूरतों में खाना मौजूद है ठीक आपने कुल्ली की दिन में पांच दफा आपका मुंह के और मसूड़ों के और दांतों के और अगर मिसवाक कर दी तो वो तो डबल अच्छा अच्छा हर चीज़ के पीछे इंसान की फितरत देखी गई है मिसवाक करोगे तो उसका ये सवाब है लेकिन हाँ बेनिफिट जो है वो मेडिकल है, हो रही है।, भी हो रहा है और मेडिकल भी हजरत बे, के पूरे दान सलामत है इतने आप देखे माशा और चमकते हैं अच्छा सर हमारी जब हम नाक में वजू का पानी डालते हैं तो वहां पर भी जरासीम के पॉकेट बने होते हैं जो वहाँ ब्लॉक किए हुए होते हैं जब हम तीन दफा करते हैं वो बाहर निकल जाते हैं नाक के अंदर लेफ्ट साइड से से उंगली उसको साफ भी कर लेते हैं बिल्कुल साफ करते हैं और यहाँ पे बाल होते हैं जिनको रोक लेते हैं वो कि वो वहाँ पे पॉकेट्स बने होते हैं आप देखते हैं सर सर अच्छा वजू में में मुंह आप जब आप उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है अच्छा ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है अच्छा जो पोर्स होते हैं जो जिसमें हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो स्टमुलेट हो जाते हैं ब्लड सप्लाई वहाँ बढ़ जाती है अच्छा अच्छा जब बाकी हाथों पे आप करते हैं तो आप ये देखिए कि उसमें हाथ फैर पहर, फैरने से एक तो जरासीम जो भी लगे वो साफ हो जाते हैं दूसरा मसल स्टूमलेट हम बचपन में आप बच्चों को दे देगा कि मालिश करो बच्चों को हाँ हाँ हा, हा। खुद ब खुद मालिश ग्रोथ हो रही था। था। होती है उनकी खुद ब खुद मालिश हो रही है दिन में पाँच दफ़ा अच्छा अच्छा एक रिसर्च ये कहती है कि जो कंधे हैं हाँ यह गर्दन की पिछला वाला हिस्सा है उसको अगर आप स्टूमुलेट करेंगे तो ब्रेन का मसाइल बहुत कम होते हैं ठीक तो वो आप देखिए जब भी आप पीछे वज़ू में वो हाथ फेरते हैं हाँ खुद को खुद कर मसा है करते हैं मसा करना है हाँ। कानों को कानों को हम हाथ लगाते ही नहीं अमूमन वैसे जिंदगी में हाँ। वजू में आपको लगाना है और सारे कान को साफ करना है आगे पीछे हाँ। उसके उंगली गुजारनी है हाँ। नहीं हर चीज बेनिफिट है अच्छा पैर की तरफ आप मुझे बताएं कितने लोग तोजो देते हैं कोई नहीं देता आपको बहुत सालों बहुत से लोग हैं जिनके नाखून बड़े हुए हैं कुछ है लेकिन अगर जो वज़ू करने वाला है आप उसके पैरों को चेक कर ले बहुत अच्छे बहुत और नीचे से ऊपर से उंगलियों के दरमियान आप स्टूमलेट भी कर रहे हैं उसको गुजार के अपनी उंगलियों से और दूसरा थी, थी। उसको भी रहे जाने के सर, अभी तो सोच अच्छा उस दौरान आप जो है ना वो सोच रहे हैं वो अलग बात है कि दुनियावी तौर पे हम हजार बातें सोच रहे होते हैं लेकिन आपने उस वक्त अपने आप को सरेंडर कर दिया अल्लामिया के सामने हर बुराइयों से दूर कर दिया हर कारोबार से अलग कर दिया अच्छा ये जो किबला ने फरमाया हाँ। कि खुजू वाली बात तो आपने तो सिलेंडर कर दिया अपने आप अब सोच सही सिलेंडर तो आप ब्रेक के लिए और जब मैं वापस आऊँगा तो फिर दोबारा जब आपसे हम बात करेंगे इसी बात को आगे बढ़ाएंगे नाजन इकराम हमारे साथ रहिएगा यही मौजू बहुत अहम है और इस पर हम गुफ्त नाजन इक्रम नमाज जिस तरह सहाबा पढ़ते थे सैदा उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तु श ज़म्मी हैं शहादत से पहले नमाज़ में ज़ख्मी अपने बेटे से कहते हैं मैं नमाज़ बेटा मुकम्मल कर लूँ सयद अली मुर्त शेर ख़ुदा ज़ख्मी हो जाते हैं तीर लग जाता है पिंडली में तो निकालते हैं तो दर्द होती है तो फिर फरमाते है अच्छा ये उस वक्त निकाले ना जब मैं नमाज़ में हूँ जब वो नमाज में थे उनको पता ही नहीं चला जब सलाम फेरा तो पूछा वो तीर निकल गया कि नहीं उनका जूर निकाल लिया ये है नमाज और सैदा फातमा रजी अल्लाह अल्ला तन्हा कहती थी तेरी रात खत्म हो गई फातमा की नमाज़ नहीं अभी मुकम्मल फ़ातिमा का सजदा नहीं मुकम्मल हुआ भाई रबसरी कहती थी या अल्लाह मैं तो अभी रुकू में ही थी तेरी रात ही ख़त्म हो गई मेरे रुकू तो मुकम्मल हो जाते वो ऐसे करनी ही कहते थे कि मेरी अभी रातें बहुत छोटी हो गई हैं मुझे मेरी नमाज मुकम्मल नहीं हो रही रातें बहुत छोटी हो गई दादी का ये लोग थे जिन्होंने नमाज के मज़े लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ वो क्या होगी वो मंज़र क्या होगा वो तो फिर रब तला को सामने देख रहे होते ना

जब हाथ धोते हैं जरासीम गिरते हैं साथ गुना भी गिरते हैं। वाह हदीशी में आता है सुबह अल्लाह जब गुली करता है गुली करने से मुंह के जरासीम और गुना निकल जाते हैं नाक के गुनाह निकल जाते हैं आंखों के गुनाह निकल जाते हैं चीरे के गुना निकल जाते हैं मस्सा का सर के गुना निकल जाते हैं बाजू गुना निकल जाते हैं और पाओ के गुना निकल जाते हैं ये हदीस है। में बड़ी तफी से आकर फरमाते अभी नमाजनी पड़ी पाकिजा होकर मस्जिद इधर जा रहा है, है। और आगा कि नहीं फरमाते सल्म जो मुसलमान घर से वजू करके चलता है हर कदम परल्ला और गुना माफ़ कर देता है सुबह फिर दर्जे बुलंद फरमा देता है और फिर जब मस्जिद में आता है और मस्जिद पहली सामने आकर बैठता है तो सत्तर हजार फीसद पर दरूद बेचते हैं वाह इतनी फजीलत है अभी नमाज शुरू नहीं हुई इससे पहले इतना काम हो रहा है और फिर इसमें एक इंडिविजुअल काम हो गया अब म्यूचुअल क्या है कंधे से कंधा मिलेगा दिल से दिल मिलेगा सब सीधे दिल, दिल, दिल सीधे होंगे और जब तकबीर तरियम करके हाथ फेरेगा बांधेगा फिर सलाम फेरेगा तो हुक्म है हमारी फिक्का की बहुत बड़ी किताब बहार शरीत हर घर में होनी चाहिए तो उसमें लिखा हुआ है कि जब सलाम फेरे इस फरिश्ते की नीयत करे तमाम इधर जमाजियों की नीयत करे फिर इधर सलाम फेरे सब की नीयत करे और अगर इमाम के माजी बैठा हुआ है तो इमाम की दो दफ़ा नीयत करे अगर दाएँ हैं तो बाई नीयत करे बाएँ हैं तो दाई नीयत करे और जब सलाम फेरेगा सारे गुना उसके ख़त्म हो चुके होंगे ये बरक़ात है।, है और जब निकले निकलेगा पाक सब के निकलेगा और अल्लाह ताली के प्यारे नबी पाक फरमाते हैं सल व्म कल क्याद के अर्श के सय के नीचे सात खुश नसीब होंगे उनमें वो भी खुश नसीब होगा जो नमाज पढ़ के जाता है फिर आने की फिक्र है जाते है फिर आने की फिक्र है जाते है फिर आने की फिक्र है डॉक्टर साहब ने कुली का जिक्र किया और अपने मिसवाक का जिक्र किया हदीसी में आता है कि जो जाम मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगा उसको एक नमाज़ पाँच सौ के बराबर होगा और जब मिसवाक करेगा सत्तर गुना स्वाब पढ़ेगा तो पैंतीस हजार का स्वाब हो जाएगा और अगर सर में मोहम्मद शीब बंद के नमाज पढ़ेगा तो चौबीस लाख पचास हज़ार नमाज का स्वाब हो जाएगा सुबह जी इतना नमाज का और उसका करने का। जी, जी नमाज का जहाँ सवाब के मामलात हैं, वहाँ पर इसके मतलब मुख्तफ के हवाले से बीमारी गुफ्तू हो रही है प्यारे करीब आकाल वसल् सफरे मराज पर जब तशरीफ ले जाते हैं तो सिद्धबरी अमी सलाम ने पहले जो आसमान है उसके बलया को दिखाया कि वो क्याम की हालत में है जोलत ने पूछा तो बताया गया कि, कि ये मतलब क्याम कर रहे हैं तो आप अपनी उम्मत के लिए भी दुआ कि की क्या इनको न, आपकी उम्मतियों को नसीब हो जाए इस तरह मतलब मुख्तलि हजुलसम तशरीफ़ फरमा होते रहे और मुख्तलि हालतों में फरिश्तों को आपने देखा अच्छा और आप दुआम में क्या में कोई मतलब इस तरह से तो आप दुआ फरमाते रहे अल्लाह तबारक मतला ने करम फरमा फजल फरमा अपने प्यारे महबूल की उम्मत पर कि वो तमाम फरिश्तों की सारी इबादत को इकट्ठा करके सारी किस्म की बातें फिर आप ये देखिए एक जो जुजिया सईदी दाता हजवेरी रहमत ने मजूब शरीफ में लिखा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सफरे में रात से जब वापस आ जाते हैं तो आपको वो कुरब इलाहिया की जो कह लीजिए कि जो चाशनी थी और वो यादें थी वो बहुत ज्यादा मतलब जो है वो कह लें कि के बार बार सताती थी तो आप सईदना बिलाल हबशी हबशरदी अल्लाह जब वो कैफियत गालिब हो जाती तो आप बिलाल हबशी अल्लाह तुन से मुखातिब होकर फरमाते आरहना या बिलालुबस आरहना या बिलालुबिसत ए बिलाल तू मुझे नमाज के जरिया से खुश करो बाँ तो बाँ आप नमाज के लिए अजान देते और हजल्सल नमाज के लिए खड़े होते तो फिर ये फरमाया कि मतलब वही ही राहतें जो है वो नसीब होती है तो ये कि ने नमाज ऐसे पढ़ते घर सामने देखते बाँ बाँ और मोमिनों के लिए भी आपने फरमा दिया कि ये मोमिनों की मिराज है नमाज है वो मोमिन की महराज मराज उलमोमिन है अल्लाह से मुलाकात मुलाकात जी बिल्कुल और फिर आपने इंट्रो में भी बात बताई कि की नमाज मेरी आंखों की ठंड कुरत आइनबिस कि सबसे ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल से खुश होते हैं वो नमाज है और आप देखिए कि आज हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हालत है कि हमारे स्टेज के जो लोग हैं हमारे कह लीजिए कि बड़े बड़े बायजे वे हाँ। भी मैं कहूँगा और हाँ। बिलखसूस नात खान हजरा जो है हाँ। मतलब वो बिल्कुल कह लेंगे उन्होंने अपनी खुशी जो हजुलसून कहीं और तलाश करना शुरू कर दी है जबकि बुनियादी तरीन जो रुकन है इस्लाम में तो की गवाही के ना सबसे पहली बात देखे हमारे अब घर की बात आ गई तो हम कर ही लें जी जी अगर मिलाद शरीफ की महफल सारी रात नात खानी जारी रहती है तो फिर सुबह अगर नमाज ना भी आदमी पढ़े तो क्या रह जाए

जब नौकरी उनकी की वालदा शफा बीबी बात तशीव लाई तो सलाम फरमाया हमारे नसीब जागे आज मीर उम तशीव लाए हमारे सलमान की तरह कौ का काम पर चला गया है फरमा मस्जिद भी नहीं आया वो वा, वा। अर्ज के अज़ूर वो सारी नफल पढ़ता रहा और ऊँग आ गई है वैसे नमाज पढ़ के चला गया वो जमात नहीं मुस्किन मिली फरमाए नमाज सारी रात पढ़ लो उसकी मर्जी है और बात जमात नमाज सरकारी कहने मर्जी है पहले ये पूरी कर फिर उसके बाद जाए अपना नवाफिल पढ़े अगर पढ़ सकते हैं जमाज़ के साथ नमाज की कुमत कहम है तो फिर नफल पढ़े वगरना नमाज को तरजीह तो ये फिर ये सारी रात की महफिलें जो हैं। ये तो फिर गलत जी तरजीहत जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाई है असल वही हमारी तरजीहत होनी चाहिए हमने अपनी तरजीहत खुद से बना ली और ये हमारी नफसानी तस्कीन के लिए तो जरूर हो सकती है हाँ। रूहानी तस्कीन और आखिरत को के के लिए ये का एक समाज जो है उसी को चला रहे हैं मैं तो एक और बात कहता हूँ जी मैंने पिछले दिनों कुछ खिताबात जो किए हैं उसमें कहा है अगर तो नात की महफिल आपने सुनी खिताब की महफिल आपने सुनी और आपने अपने आप को कुर्ब इलाही औरब मुफ़ा सल्म पाया फिर तो ठीक है अगर आपने कहा कि बड़ा बहुत अच्छी आवाज़ थी जी कमाल कर दिया उन्होंने और एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त आप तो तकरीरें भी इस तरह हो गई हैं स्टेज पर एक कोने से लेकर दूसरे तक अब बाकायदा कभी ये नहीं हमने सुना था अब ये देखने को मिला है स्टेज के ऊपर एक्टिंग हो रही है बाकायदा और मुख्तलिफ वाइजिन जो है वह एक्टिंग शुरू हो गए नाथ खान भी एक्टिंग करते हैं नीचे झुकते हैं ऊपर होते हैं दाएँ जाते हैं बाएँ हाँ जाते हैं नाउ हाँ तो हाँ हाँ जुबिल्लांजाल जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ डॉक्टर साहब जो लोग नमाज पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते आपके तजर्बे जाति में सुनाए मरीज आपके पास आते हैं सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन मैं एक छोटी सी बात उससे पहले जी बिमिल नमाज पढ़ने में जो सबसे मुश्किल है ना सर वो वजू है तो थीक मेरी थीक रिक्वेस्ट ये है।, है कि जब भी वॉशरूम जाए वजू कर लें जो आमतौर पर जो पब्लिकली ये बात बड़ा कॉमनली आसान तरीका है, है। थीक मैं ये भी करता हूँ खुद भी थीक थीक दूसरों से भी कहता हूं, रिक्वेस्ट थीक करता थीक हूं। तो सर जो जो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए सर जो नमाज में जब आप खड़ा हो खड़े होते हैं और नमाज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो खैर पूरी नमाज इम्पोर्टेंट है लेकिन जो सजदा है जब मैं अपनी हॉस्पिटल के हवाले से और अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताऊं आपको कि दो बीमारियां बहुत कॉमन है जिस बंदे से भी बात करें वो एक तो जहनी बीमारी की बात करेगा हाँ। सर में दर्द है कंधों में दर्द है टेंशन बढ़ी तो है, है, है। नींद नहीं आ रही है दूसरा मेदा खराब है आप तो मेदा तो ऐसी कॉमन सी चीज़ एक है अच्छा ये दो चीज़ें जो है ना जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है वो है दिमाग और उसी वही कंट्रोल करता है आपको पता है पूरे किस्म को तो जब आप सजदे में जाते हैं तो देखिए अल्लाह लविया की तरफ से कैसी जबरदस्त बात सजदे में जब आप जाते हैं तो ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा ब्रेन की तरफ चली जाती है ठीक पूरी बॉडी का जो ब्लड, ब्लड है है, आपके वो वो ब्रेन की तरफ जाता है दिमाग की तरफ, तरफ मुंह की तरफ जाता है ठीक तो ब्लड सप्लाई खुद ब खुद ब्रेन की बढ़ जाती है अच्छा दिन में जितनी दफा भी आप सजदा करते हैं उतनी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है इसकी वजह से जो डिप्रेशन है सर दर्द है कंधों का दर्द है वो कम हो जाता है मैंने बगैर पैसे खर्च किए बगैर ट्रंकुलाइजर के नींद बेहतर हो जाती है नींद बेहतर हो जाती है अच्छा जी अगली जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है देखिए अल्लाह के बड़ी जबरदस्त साइंस है हमारे ब्रेन में यहाँ फ्रंटल लोब जो आगे से यहाँ एक हिस्सा है दिमाग का उसमें एक हारमोन निकलता है जिसको मेलेटोन कहते हैं अच्छा ये बड़ा जबरदस्त हारमोन है ये नींद लाने वाला हारमोन है ये निकलता है उस वक्त जब अंधेरा आ जाता है अच्छा और वही उसका निकलना बंद हो जाता है जब रोशनी आ जाती है अच्छा तो बड़ा ही जबरदस्त सिस्टम अल्लामिया ने बनाया हुआ है कि जैसे ही अंधेरा हुआ वो निकलना शुरू हो गया नींद आ जाएगी ठीक और जैसे ही रोशनी आई माने जिस वक्त वो, वो खुल निकलना उसका बंद हो जाएगा अच्छा हम क्या करते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा जहनी बीमारियां फैल रही हैं वो एक लेट नाइट तक जागते हैं और लेट नाइट जागने की वजह क्या है वो है मोबाइल फोन

जो लोग तहज की नमाज़ पढ़ते हैं उस वक्त वो हारमोन निकलते हैं उनको जहनी बीमारी कभी नहीं होती वाह 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 और मैंने कई जहनी मरीज होते हुए ठीक होते हुए सर ठीक होते हुए देखें आप सर ये प्रॉपर नींद लें अच्छा एक और जी चीज़ हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा मसाइल आज कल है वो फैमिली सिस्टम का ब्रेक होना है वजह क्या है ये टाइम नहीं है जो बंदा फजर की नमाज पढ़ ले उसके बाद उसने ऑफिस जाना है नौ बजे आप टाइम बताएं कितना उसके पास वाह वाह आप दें बच्चों को वाह 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 आप दें अपनी बेगम को टाइम आप इवन बैंक का काम कर सकते हैं सर आप जाए गाड़ी लें एटीएम से मशीन से सब निकाल लें बिल जमा करा दें टाइम ही टाइम है आपका वॉक कर लें देखिए नमाज के कितने बड़े बेनिफिट्स हैं सर वाह 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 तो ये जो हमारी माशरती प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से जहनी बीमारियां और जिसमानी बीमारियां बढ़ रही हैं वो टाइम पे नमाज ना पढ़ने की वजह और हमारे पास तो एक टूल है डबल बेनिफिट और एनर्जी रीजुविनेट हो जाती है सर जो अच्छा एक और एक, एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारे जैसे में ना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहे ठीक है अच्छा जैसे आपने देखा ना सर प्लग प्लग में जो ना वो तीन पिन प्लग होते हैं ठीक है एक होता है अर्थ का ठीक है डिस्चार्ज होना होता है जब आप सजदे में जाते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है चाँ जमीन चाँ के साथ। जमीन, साथ।, जमीन साथ जमीन के साथ सर ये देखिए अल्लाह ये भी कितनी बड़ी जमीन की, तो वो हमें डिस्चार्ज होना जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट का ताकि हमें जिस्मानी बीमारियां ना हो वाह 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 ये एक बड़ा साइंटिफिक रीजन है उस पर बड़ी रिसर्च हुई है कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट अच्छा अब आप जरा कोई अपने मरीजों का सुनाए ना जो नमाज पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते सर मैंने तो इतनी बड़ी बात देखी है कि जिनकी फैमिली में फैमिली में खाली मरीज नहीं जिनकी फैमिलीज में नमाज राइज है उनकी फैमिली सिस्टम जो है ना वह इस तरह है ठीक उनके अंदर कोई बीमारी भी आती है तो वो दूसरों के मुकाबले में जल्दी ठीक हो जाती है ठीक जो क्योंकि एक तो वो शुक्रगुजार होते हैं जो लोग शुक्रगुजार हैं उनके वो हार्मोन निकलते हैं कि जनाब अल इसके बाद जल्दी बीमारी कम होती है तो ये तो बड़ी रिसर्च है कि जो लोग शुक्रगुजार हैं उनकी बीमारियाँ कम होती हैं उनको जहनी बीमारियाँ कम होती हैं उनको जिसमानी बीमारियाँ कम होती हैं तो जो नमाज़ पढ़ना है उससे बड़ी शुक्रगुजारी क्या है अच्छा वो जिसम की ज़क़ात भी है माल की ज़क़ात भी है अच्छा है। फिर आप जब जाते हैं नमाज पढ़ने मस्जिद में तो आपके जिस तरह अभी अल्लाह साहब ने फरमाया कंधों से कंधा मिलना आप तो लोगों को अपने पास बिठाते नहीं हमारा तो कल्चर ये हो गया कि दूर बिठाते हैं नमाज में आप साथ खड़े हैं तो उसके मसाइल को भी हल करते हैं वाह वाह जब आप अच्छा उससे पॉजिटिव रेजेज भी तो निकालते हैं जब मसा नेक खड़ा पक्के ठक्के सूफी मेरे दाएँ खड़े हैं बाएं तरफ मुस्त भी खड़े हैं डॉक्टर साहब खड़े हैं सैयद इमरान मुरजा तो वो आपकी जो रेजेज हैं वो भी तो मुझे benefit positive, positive raises जो है वो डिप्रेशन का मरीज अगर कहीं बैठा है तो कहते हैं छह मीटर तक उसका असर होता है छ अच्छा। मीटर तक जो जानदार है अल्लाह और जो जानदार है इवन पौधे जानवर इंसानों पर असर पड़े यू करके बैठा हुआ है तो नेगेटिव रेस फैल रही है, हुई 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 और जो पॉजिटिव रेस है जिससे बुजुर्गों के पास आप क्यूँ जाते हैं <coughs> वो वाँ दूर वाँ आपके ऊपर छह मीटर आप लगाएं बीस फीट का जो दीन बेजार लोग होते हैं ना या दीन के खिलाफ बातें करने वाले एक तो उनका चेहरा ही देख के बड़ी अजीब अच्छी कैफियत होती है फिर मैंने देखा है कि दिल बेजार हो जाता मैं तो खैर बैठता ही नहीं हूँ ऐसे लोगों के पास पहले भाग जाता हूँ तो वो उनके पास बैठ के एक नहुसत का एहसास होता है और ये जो अल्लाह वाले हैं इनके पास बैठ के ऐसे खुशबू का आना मस्जिद में जाने के लिए आप देखें क्या रिक्वायरमेंट रखी हुई है नहाओ साफ कपड़े पहनो खुशबू लगाओ अच्छा इसका कितना इम्पैक्ट आता है कोई खुशबू वाला बंदा आपके पास गुजरा आपको अच्छी फीलिंग्स आती है कि नहीं अच्छी फीलिंग्स आती है आपका चेहरा बदल जाता है आपकी सोच बदल जाती है तो सर ये नमाज के तो बहुत बड़े अच्छा जितनी बीमारियां हैं देखिए सर बीमारियां क्या करती है आपको अकेला कर देती हैं आपको गंदा रखती हैं

आगा करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में दो रिवायात हैं कि जो सूरज चढ़ तक सोया रहता है उसके कानों काँगे? में यूरिन कर देता है शैतान <laughs> <laughs> <बोड़ laughs> नंबर <बोड़> दो <laughs> आगा करीन देख रहे हैं हर घर में देख इतनी नज़र है आपकी अबरम रहा आगा हर जगह है हाँ। आप देख रहे हैं सरकार कानून जब आदमी सोता है तो शैतान तीन गिरें लगा देता है इसकी गुद्दी में अच्छा सही बुखारी में आता है अच्छा जब ये उठता है तो आगा करीम फरमाते उठे तो ऐसे करके हाथ मल के पर तो एक गिरा खुल जाती है अच्छा। फिर जब उठ के वजू करते हैं दूसरी गिरा खुल जाती है जब चलता है, सारी ग्रह खुल जाती हैं और फ्रेश हो जाता है उसका बॉडी ठीक हो जाता है एक और बात आप चलते हैं पॉजिटिव आपकी मोहब्बतें पूरी दिनों फैल रही है आप कहते हैं रिफ्लेक्शन छह किलोमीटर है यहाँ तो करोड़ तक जा रही है करोड़ तक दूसरी बात आपने बड़ी ताकि की है तकी करके अस्सी दफर फरमाए अस्सी दफा नमाज का जिक्र आता है लेकिन आप चूंकि मोहब्बत करते हैं पॉजिटिव चलते हैं नहीं। 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 आपने दूसरों का जिक्र नहीं किया अच्छा परिंदों का मुनाफिक का है जी मुशरकन की नमाजों का पहले बह की नमाजों का वो काउंट करें ना तो तिरानवे बनती है तिरानवे अच्छा आप चूंकि वो हमारे सिखाने के लिए बता रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं ये भी बिल्कुल परिंदों की भी नमाज है अच्छा मुनाफिक भी नमाज पढ़ते थे अच्छा उनकी भी नमाज का जिक्र आता है और जहाँ भी नमाज का जिक्र आएगा अकीम उसला, यकीम उसलाकीमलाकीमसल आता है इनका मना है कि नमाज को अरकान की तादील और उसके तमाम आदाब के साथ शरात कायम करो क्या है नमाज कायम का मना है तो इस नमाज को शरात फ्राइज सुनत मुस्तबात के साथ वक्त पर जमात के साथ अदा करना इसको कायम कहना कहते हैं अच्छा अकी उसका मना यही है इसलिए सरकार कहना सर से, से मन हैं कि जो लोग मस्जिद में आकर नमाज़ नहीं पढ़ते कोई मेरे मसले पर खड़ा हो जाए मैं उस घर को आगे लगा दूँ यदि इसलिए फरमाइए कि जो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के बेनिफिट्स हैं रूहानी भी हैं और तबी भी हैं और माशती भी हैं वो मस्जिद में आकर होंगे एक दूसरे से मुलाकात होगी हर जगहों में तो अशमी साहब बम चल रहे हैं लड़ाइयाँ झगड़े हर जगह कमेटियाँ बनी हुई हैं ग्रुप बने हुए हैं मस्जिद में मस्जिद तो थी मोहब्बत और एक शफकत और एक महकता हुआ रूहानी गुलिस्तान और वहाँ तो अब और मामला होते हैं ये भी जरा इस पर भी फरमा दें जी मस्जिद जहाँ के लिए के दीन सीखने के लिए इंस्टीट्यूट है वहाँ पर अपने तमाम तर माशरती मसाइल मामला जो है इनको डिस्कस करने का एक फ़ोरम हुआ करता था और वहाँ पर इन तमाम मसाइल का हल भी मिलता था और लोग जो है मतलब उस वक्त असल चीज़ यह है कि ओलाबा या उस वक्त आयमा या ख़ुबा जो हैं वो भी कह लीजिए कि लोगों से कह लेंगे एतराज करने वाले नहीं बल्कि लोगों से मोहब्बत करने वाले होते थे आज एक गैप आ गया है बीच में बहुत बड़ा आपस में पब्लिक में भी गैप है और ओलमा और आवाम जो है इसमें भी बहुत बड़ा गैप, भी आ गैप आ गया उस गैप को जो कोई है कारवां कोई कारवा से टूटा कोई बदगुमा हरम से कि अमीर कारवां में नहीं हुए दिल्लबाजी आपके यहाँ लोग क्यों ज्यादा आते हैं आपके पीछे क्यों लोग ज्यादा जाते ये मोहब्बत से जब आप लोगों को बुलाएंगे मेरे पास तो वक्त नहीं होता मैं जब जाता हूँ फ़ंक्शनों में इधर नौजवान जिस तरह मेरे करीब आ रहे होते हैं मेरे पास वक्त नहीं होता यानी अगर एक ही तकरीब में बैठ जाओ लोग तो तरसे हुए हैं ये जो हमारे मुबलिन हजरात हैं ये मुबलक बन गए तो उससे सारे काम ख़राब हो, हो गए हो गया। असल में ये कि हर शख्स को कोई ऐसा कंधा चाहिए कि कह लीजिए मस्जिद में उसके मतलब जो काम से मिलता है जब जहाँ उसको वो कंधा मिल जाता है ना तो वहाँ उसको सुकून मिलता है उसको तस्किन मिलती है और नमाज ये रूहानी तस्किन का आपके जो स्ट्रेस है आपके डिप्रेशन है एंगजाइटी है इन सब को दूर करने का एक ज़रिया है बार बार, बार वज़ू के हवाले से भी बात हो रही थी वज़ुल वज़ू मोमिन का किला है अब मोमिन जब वज़ू कर लेता है किला में बंद हो जाता है तो किला बंद होकर वो जहाँ दुनियावी आफात वलियात और बीमारियों और, और, और बुराई से से महफूज से है।, है जी हाँ वहाँ पर शैतानी असरात से भी महफूज़ हो डॉक्टर साहब अल्लाह ताली उस डोमेन में बंदा उस डोमेन में आ जाता है जहाँ अल्लाह की राहमत उसे फिर घेर लेती है अल्लाह का क़ुरब जो मिलता है नमाज से तो फिर उस डोमेन से वो बीमारियाँ भी दूर हो गई कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल सुनाएं आपके पास तो लोग बहुत आते हैं मरीज़ सर मैं तो एक सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल ये देना चाहता हूँ कि एक खातून थी जो मेरे पास बड़ी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपने बच्चों को जो है वो नमाज की तरफ रागिब करें अच्छा उनके सात बच्चे सात में से तीन जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको कोई जहनी बीमारी नहीं अल्लाह और चार वो कहते थे कि जो साफ नहीं रहते हैं गंदे रहते हैं मरीज या तो वो बचपन से ही जहनी मरीज थे या फिर उनकी आदतों ने जो है ना उनको मरीज बना, मरीज बना दिया अच्छा सर जो लोग ये नमाज की तरफ रागिब हैं जो लोग सफाई पसंद हैं तो वो कैसे सिगरेट की तरफ चर्च की तरफ दूसरे नशों की तरफ जाएंगे जैसे प्रैक्टिकल नहीं है तो जब वो जाते नहीं हैं तो वो उससे बचे हुए होते हैं तो उनके जो तीन बच्चे हैं वो बेहतर है और चार बच्चे इस तरह से है मतलब ये इतनी प्रैक्टिकल बात है कि अच्छा फिर आप ये देखिए कि वो जो नमाज पढ़ रहा है अच्छा जो आपने खुशू की बात की तो वो खुशू के साथ जो नमाज पढ़ रहा है वो सच बोल रहा है वो कारोबार भी ठीक कर रहा है ये जो सरी. बड़ी ब्लेम गेम है ना हमारे ऊपर हाँ। की जो नमाज पढ़ता है चोरी करता है तो वो वाली नमाज भी है जो खुद ही चोरी नमाज में जो चोरी कर रहा है तो वो हर काम में चोरी कर रहा है हर काम में चोरी कर रहा है हर काम में चोरी कर रहा है तो सर ये अच्छा सर ये जो हमारे बुजुर्गों का भी काम है जो टच सिस्टम है ना ये भी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ होती है कि जो नमाज़ में हम खड़े हैं जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं मुसाफा करते हैं उनसे जब हाथ पे मिलाते जी हैं जी सर न, हा, हाथ मिलाने का तरीका है कंधों पे जो हाथ रखते हैं जो कोई अच्छा मैसेज देते हैं तो ये भी बॉडी में चेंज लेके आ रहा होता है खाली मस्जिद में जाना जो है वो नमाज़ पढ़ने के अलावा भी तो बहुत कुछ है ना सुबह आप देखिए मस्जिद में जब भी मौजूद रहते हैं आप अच्छी फीलिंग्स के साथ होते हैं मस्जिद में कभी मुसीबत के साथ नहीं बैठे होते खुशी के साथ बैठे होते तो वही हारमोन निकल रहे हैं अच्छे काम करने के फिर वही पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हमने लोगों की मदद करनी है माशती तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मस्जिद मस्जिद में जो ग्रुप होता है वो मसाइल को हल करने के लिए होता है अच्छा हमने सर मस्जिद को सिर्फ नमाज के लिए बना दिया है मैं तो कहता हूँ निका शादी ब्याह मसायल का हल मस्जिद में होना चाहिए सर लेक्चर्स मस्जिद में होने चाहिए तालीम मस्जिद में देनी चाहिए मदरसे मस्जिद के अंदर ही होते हैं तो बाकी काम वही होने चाहिए तो अगर होंगे तो आप देखिए हमें नए बहुत सारे स्कूलों की जरूरत नहीं है वाह 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 नए बहुत सारे स्कूलों की ज़रूरत नहीं हम हम, हम अंग्रेजी मस्जिद हमारी मदरसा है बिल्कुल अच्छा जी हजरत साहब वाकई इस तरफ गौर करें डॉक्टर साहब जो कहा कि मस्जिद सिर्फ पाँच वक्त खुलती है नाउज़ बिल्ला आप तो ऐसे ऐसे वज़रा भी थे जो कहते थे पाँच बजालत की दोस्तियाँ खुलती हैं अल्लाह तला माफ़ करें फिर अजाब भुगत भी रहे हैं वो लोग जिन्होंने इस तरह की बातें की तो वो अमारत जो है वो बिल्कुल खाली रहती खाली है जी जी तो वो तो उसको यूटिलाइज होना चाहिए वहाँ तालीम हो रही हो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस मरकज़ इस्लाम को तमाम मामलों का मरकज़ बनाया हुआ था वहाँ फैसले होते थे लश्कर बेच जाते थे गरीबों मस्किनों की मदद के लिए प्रोग्राम होते थे और सज़ाएं बहार मिलती थी फैसले इधर होते थे और हजूर सल्ल फरमाते हैं कि जब तक आदमी मस्जिद में बैठा रहता है हम तजर्बा करके देखें झूठ से बचेगा गिबस से बचेगा बदनिगाह से बचेगा लड़ाई झगड़ से बचेगा उसकी तवजो जो होगी अल्लाह के जिक्र की तरफ होगी उसका दिल सावता चला जाएगा और हजूर सर हैं फरमातेज़ा मरर तो बे रजी जन्ना फ़र्ताओ वह जब जन्नत के बाग़ों से गुजरो तो मेवे खाया करो यार और रसोल रसल ये मस्जिद जन्नत के बाग क्या हैं वह अल्लाह की मसी जन्नत के बाग है बाँ बाँ। मेवा अल्लाह हैं बेवा सुबहानल्लाहमदिल्लाकबर ला लाही ये उसके मेवे हैं और हज़ूर कहीं से, से फरमाते जब तक आदमी इंतज़ार नमाज में रहता है वो वक्त भी नमाज में गिना जाता है और जब तक नमाज के बाद बैठा रहता है अल्लाह की नूर फिर द्रूद भेजते रहते हैं और जनाब दाता साहब राम कश्मूस में लिखा है कोई शख्स वली नहीं बरस सकता जब नमाज न पढ़े वाह अच्छा जी अशमी साहब ये देखें आपके हजरत ख़ुबैब रजी अल्लाह ने फांसी पर चढ़ाने लगे कहते हैं, मुझे नमाज़ पढ़ लेने दो सैयदना इमाम हुसैन अली इमाम अली मकाम जख्मी हो जाते हैं शहादत बिल्कुल चंद लम्बों पर खड़ी है कहते हैं मुझे पहले सजदा कर लेने दो कोई तो लज्जत जब इसकी लज्जत जिनको मैसर आ जाती है ना तो वो आप वाली बात है कि वो फिर सजदा जो है वो इतना तवील होता है कि रात खत्म हो जाती है सजदा ख़त्म नहीं होता सीधे जो रहते हैं बड़ा आता है जी, जी जब आदमी सजदा करता है ना वो कहता है सरेंडर मैं किसके सामने कर रहा हूँ अपने खालिक व मालिक के साथ जो सॉरी कायनातों का कोई शहनशाह उसके आगे पर नहीं मार सकता मैं सरेंडर उसके सामने करता हूँ इनके सामने नहीं करता जी जी साथ साथ अगर महसूस किया जाए ना तो इंसान बिल्कुल ऐसे के जैसे हवाओं में उड़ना शुरू होता है बिल्कुल हल्का फुल्का उसका फिकर शौर हर एक चीज सेवाहत बगदादी रहमत के हवाले से दाही ने बाजू में लिखा है कि आप बुढ़ापे की उम्र में भी कसरत नवाफिल करते तो मुरीदीन ने अर्ज किया कवि थे मतलब तनोम थे तवाना थे आप उस वक्त इबादत करते थे आप कुछ इबादत कम कर हैं चार चार सौ नफिल आप पढ़ते तो आप फरमाते कि मुझे इससे जो ताकत मिलती है इसी से मुझे आ, ये है। मेरी समझ गया ये पक्के टक्के जो दौड़े लगाते हैं आज मुझे समझ आ गई बहुत शुक्रिया आपका <laughs> आपका भी शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया नाजी ग्राम किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया रोज़ाना रात को सोने से कबल सूरत का पहला और आखिरी रकूप पढ़ कर और हाथों पर दम करके कमर पर फेर लेने से कमर के दर से निजात मिलती है शर्त यह अवलो आखिर ग्यारह कम से कम ग्यारह ग्यारह मरतबा कोई भी दुरुद पाक जो आपको आता हो वो ज़रूर पढ़ें सयदा का इनाज़ सैदा फ़ातमा तुज़ार फरमाती हैं नमाज ऐसी इबादत है कि जो इंसान को तकबर जैसी गलाजत से महफूज रखती है ताज़ी का इससे सईदा के कौल मुबारक से ये भी पता चला कि अगर तकबर है और साथ नमाज भी चल रही है तो नमाज में कहीं ना कहीं ख़राबी है अगर चोरी है साथ नमाज है अगर रिश्वत खोरी है और साथ नमाज चल रही है तो लगता है नमाज में कोई गड़बड़ है अगर मिलावट है मखलूक ख़ुदा को गदे का है और नाउज मैंने खबर वो क्लिप देखा था कि सूर का गोश्त जो लोगों को खिला रहे थे वो पकड़े गए तो मैं तो काँप गया ये पढ़ के चूहों का गोश्त किस किस चीज़ का गोश्त तो ये मरना है इन लोगों को याद करना चाहिए कि एक दिन हमने मरना है क्यों नहीं समझते इस बात को अल्लाह रसूल से जंग ना करें और वह दाता गंजब्स रमतल के मज़ार पाक पे जो टैक्स लगाया हुआ है नमाज से दूर रखने का ये सबब बन रहा है बेचारे गरीब लोग जाते थे वहाँ जा के नमाज़ें पढ़ते थे दस रुपये एक जूते के और फिर पाँच नमाजों के पचास रुपये फिर तजुद के दस डालें साठ रुपये और फिर मुझे लोगों ने बताया वहाँ जो मोटरसाइकिल साइकिल स्टैंड पर जो पैसे लग जाते हैं सौ रुपये गरीब आदमी कहाँ से देगा ये कितने हज़ार रुपये तीन हज़ार रुपये महाना जो थे तो वो बेचारे फिर उधर नहीं जाते जब नहीं जाएंगे नमाज बाजमात बाज, दाता साहब नहीं पढ़ सकेंगे जाके तो वो गुनाह किसके सर होगा जिनके सर है उनको समझना चाहिए कि उनके सर आजकल सुकून में नहीं है सर उनके परेशान है मुल्क से भागना पड़ता है इस पर गौर कीजिएगा नाजिक राम अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफादारी नसीब फरमाए तैयार हो जाइए नाज़रीन कराम मेरे मेहमान और सारे सामीन और नाजरिन मिल के वो नारा लगाएंगे जो पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों बैरूनी दुश्मनों के सीनों में तीर तलवार की तरह लगता है ये नारा हम लगाते रहेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या